बार का जो कट ऑफ होगा कम रहेगा, ठीक कम रहेगा अगर लास्ट ईयर की कंपैरिजन करें तो। तो जिन्होंने अगर अगर आपने यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर 150 के आसपास में अगर आपने किया, अगर आपने 150 अटैम्प्ट किया आउट ऑफ 200 में, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, ठीक आप बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। अब आइए कि क्या क्या आज का क्वेश्चन का किस तरह का लेवल पूछा गया, क्या क्वेश्चन आए थे, सारे चीज़ के इस वीडियो में डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे रीजनिंग का, ठीक रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग आज का पेपर इजी रहा, ठीक काफ़ी इजी रहा, जहाँ पे आप आराम से 50 आउट ऑफ 50 कर सकते थे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसको छोड़ा जा सकता था। तो ये सेक्शन डुएबल थे, इजी थे, आराम से किए जा सकते थे, ठीक पहला चीज़ ये हो गई रीजनिंग। दूसरा था कि आपका जीके और करंट अफेयर्स की बात करें, तो करंट अफेयर्स में यहाँ पे देखिए कि करंट अफेयर्स का अगर बात करें तो लेवल कैसा था, मॉडरेट था। अगर करंट अफेयर्स की यहाँ पे बात करें तो करंट अफेयर्स आपको कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को बने, और 15 से 17 में से अगर आपने अगर 8 से 9 भी किया तो ये सेफ है। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ से ये, फिर आप जीके की अगर बात करें तो जीके से अगर बचा क्वेश्चन जो जीके था आपका 32 या 35 के आसपास में, अगर जो भी क्वेश्चन था अगर 30 ही मान के चले, अगर उसमें से अगर आपने 20 भी किया तो यहाँ से 20 अगर ये जीके अगर किया है, और आपने यहाँ से अगर 9 भी अगर आपने किए हैं, ठीक है 9 भी अगर आपने करंट अफेयर्स करें तो कुल मिलाकर हो गया 29, कुल मिलाकर कितना हो गया 29। मान लिया अगर आप 30 ही किए हैं, चलो ओवरऑल राउंड फिगर से यहाँ पर 30 कर लिया, तो ये सेक्शन भी मॉडरेट रहा, ठीक है किया जा सकता था। और मैंने पहले भी वीडियो पढ़ाया था रीजनिंग में, खासकर जैसे कि डाइस का हो गया, डाइस हो गया, और भी बहुत सारे रीजनिंग बताया था, जैसे कि आपको एक डाइस वाला हो गया, फिर आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन मैंने बताया था, सीरीज से बताया था, ठीक है सीरीज से बताया था, फिर आपका जो इस तरह से फिलर वाला होता है जिसमें कि आपको कंप्लीट करना होता है, तो ये भी आपको मैंने बताया था, ठीक है इस तरह से क्वेश्चन बताया था, फिर आपका सीरीज बताया था 2-4 इस तरह से करके, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला। तो ये सब क्वेश्चन इजी थे, किए जा सकते थे। तो कहने का मतलब 50 आउट ऑफ 50 तो जीके आराम से हुआ है, कर सकते थे आप लोग। जीके और करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स से अगर क्वेश्चन की बात करें तो 8 से 9 करने लायक था, जीके की बात करें 20 करने लायक था, ओवरऑल यहाँ पे 30 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इस बार की बात करें एग्जाम में तो इंग्लिश का पैटर्न थोड़े चेंज दिखे। पैटर्न कैसे चेंज दिखने को बना कि जो भी था आपका एक सीक्वेंस वे में नहीं था, ठीक है पैटर्न जो आया इस वाले का वो सीक्वेंस वे में नहीं था। अगर पहला क्वेश्चन अगर आपका अगर यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आपका अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है, ठीक है पहला क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, तो दूसरा आपका कहीं ना कहीं साइलेंट एंटो आ रहा था, उसके बाद आपका यहाँ पे देख रहे थे कि तीसरा क्लोज टेस्ट दे दिया जा रहा था, फिर चौथा में आपको फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर पाँचवें आपका एक्टिव पैसिव, तो इस तरह से क्वेश्चन मतलब स्कैटरिंग वे में था, बिखरा हुआ था, ठीक है बिखरा हुआ था। पहले जैसे क्वेश्चन का पूछा जाता था कि एक कंपाइल वे में था, कि जैसे कि 10 क्वेश्चन का सेट था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 10 क्वेश्चन का सेट था आपका एक्टिव पैसिव, तो इस तरह से नहीं था। बाकी आपका पैसेज जो था तो पैसेज तो आपका सेट में था, चलो पैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं था, पैसेज जो तीन थे वो तो थे, ठीक है क्लोज टेस्ट भी आपका था, क्लोज टेस्ट आपका आया 2 वो भी ठीक थे, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, एक्टिव पैसिव था, साइन ऑन था, ये थोड़ा स्कैटरिंग वे में पूछा गया, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक रहा क्वेश्चन को, ओवरऑल कहने का मतलब क्वेश्चन ठीक रहा। आपका एरर की बात करें तो एरर भी क्वेश्चन आया, ठीक है एरर भी आया, तो थोड़े से अगर पहले से लेंदी रहे, एरर भी अगर कहें तो पहले से लेंदी रहे, तो यहाँ पे साइलेंटो तो इजी रहा, साइलेंटो आराम से किया जा सकता था। क्लोज टेस्ट थोड़े से कह सकते कि मॉडरेट लेवल के थे, पैसेज आपका मॉडरेट लेवल का था। तो ओवरऑल अगर इंग्लिश की मैं बात यहाँ पे करूँ, ओवरऑल मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो एक चीज़ तो आपने समझ लिया कि इंग्लिश का पैटर्न कैसा आया। भाई इंग्लिश का पैटर्न लास्ट ईयर से थोड़े मॉडरेट लेवल के कह सकते हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हैं, बहुत इजी नहीं था पेपर, इतना आसानी से किया जा नहीं सकता था, 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में अगर पैटर्न थोड़े से चेंज क्या नजर आया कि आपका स्कैटरिंग वे में था, तो अब यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो जीके में था ये तो आपका डिफिकल्ट लेवल पूछा गया, मैं समझता हूँ ये डिफिकल्ट पूछा गया डिफिकल्ट लेवल। अब यहाँ से 100 में कितने होंगे भाई, अगर रीजनिंग आपने 50 में 50 किया, यहाँ से जीके 30 किया तो 80 मार्क्स तो यहाँ से आ गए। अब देखो इंग्लिश का खेल, इंग्लिश कहाँ से आया होगा, तो इंग्लिश में अगर यहाँ पे ओवरऑल जो स्टूडेंट अटैम्प्ट किए वो 60 से 70 अटैम्प्ट हुआ है, ठीक है 60 से 70 अटैम्प्ट हुआ इंग्लिश में। अब यहाँ पे देख लीजिए कि टोटल कितने आ गए भाई, यहाँ पे 83 110, और यहाँ से अगर 60 भी करते हैं तो 170, कहने का मतलब तो ओवरऑल अगर मान के चला जाए तो यहाँ पे एवरेज अगर देखा जाए तो 150, ठीक है
150 से 160 ये गुड अटेम्प्ट है, 150 से 160 का गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। अब इसमें कट ऑफ क्या जाएगा, अगर आपका 150 से 160 गुड अटेम्प्ट है तो कट ऑफ क्या जाएगा स्टेनोग्राफर सी और स्टेनोग्राफर डी का। तो यहाँ पे एक बार फिर से आए, अगर यहाँ पे अगर बात हम करें गुड अटेम्प्ट आपका, अगर यहाँ पे गुड अटेम्प्ट मैं बताऊँ तो इस बार का आज 5 फरवरी की बात मैं करूँ, 6-7 का भी पेपर है, तो 5 फरवरी की अगर बात करें 2019 का जो पेपर आज हुआ, तो गुड अटेम्प्ट यहाँ पे 150 से 160 माना जा रहा है। अब ऐसे में कट ऑफ क्या जाएगा, तो देखो ऐसे में जो कट ऑफ होगा, अगर हम जनरल की यहाँ पे बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें, तो जनरल कैटेगरी जो होगा आपका कट ऑफ 120 के आसपास में देखने को बनेगा। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 110 को देखने को बनेगा, और एससी एसटी की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे 90 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। ठीक, ये आपका रहा यहाँ पे डी का, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सी का, ये कह सकते हैं सी का, ठीक यहाँ पे सी का कह सकते हैं। अगर यहाँ पर डी की बात करें तो डी में आपका 10 मार्क्स कम कर लीजिए, 110 जनरल की बात कर सकते हैं यहाँ पे 90 के आसपास में, ओबीसी का और एससी एसटी का कह सकते हैं कि 80 के आसपास में कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग टू जो पेपर इस साल का जो आया है, थोड़े से बदलाव इंग्लिश को देखने की वजह से कट ऑफ का लेवल जो कह सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का, अगर सी कैटेगरी की बात करें तो 120 के आसपास में या 120-125 हो सकता है, 5 मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं, ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट डाटा ये होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है, लेकिन 120 या 125 30 के आसपास में देखने को बनेगा अगर सी ग्रेड सी की बात करें तो। डी में भी वही मैं कह रहा हूँ कि 110 या 115 के आसपास में ही होगा। ठीक, तो इस तरह से कट ऑफ हो सकता है। तो देखिए पैटर्न इंग्लिश की वजह से इस बार एक तो इंग्लिश हुआ है पैटर्न जो इसका चेंज हुआ है, दूसरा कि ऑनलाइन, ये ऑनलाइन भी इस बार पेपर हुआ है, लास्ट ईयर भी पेपर हुआ था ऑनलाइन, लेकिन लास्ट ईयर का जो ऑनलाइन पेपर था पेपर काफ़ी इजी था, पेपर का लेवल काफ़ी इजी था, इसलिए कट ऑफ गया था, थोड़े ज़्यादा गए थे, लेकिन इस बार का पेपर अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल मॉडरेट रहा है, बहुत ईजी नहीं रहा, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट कर सकते हैं खासकर इंग्लिश में, तो ऑनलाइन पेपर एक तो हुआ है। ठीक, मानते हैं कि कैंडिडेट की संख्या भी काफ़ी है, और इसमें स्टेनो जो बेसिकली स्टेनो की तैयारी करने वाले कैंडिडेट वो काफ़ी संख्या में कम है, वैसे बहुत सारे आपको यहाँ पे 70% ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे जो कि स्टेनो की तैयारी करते ही नहीं है, 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि स्टेनो की तैयारी यहाँ पे करते हैं, अब स्टेनो की तैयारी करते हैं और इंग्लिश उनकी इंग्लिश कितनी अच्छी है ये उनके तैयारी पे प्रिपेयर पर निर्भर है करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनका तो 70% जो कि स्टेनो की तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जैसे कि एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को भर देते हैं और उनकी इंग्लिश ठीक ठाक होती है तो स्कोर काफ़ी हाई कर देते हैं, ऐसे में कट ऑफ हाई जाता है, तो जो 30% जो बेसिक तैयारी करने वाले उनका कहने का नुकसान हो जाता है। तो वैसे कैंडिडेट जो अगर स्टेनो की काफ़ी उनकी उनका लगन है स्टेनो में, तो भाई मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश पर फोकस करें, कुछ नहीं आप चाहे तो एक ऐसी पूरी बुक को एक बार रट लो चाट लो, उससे वो कवर कर लोगे तो इतना इंग्लिश ठीक ठाक हो जाएगा कि आप आराम से 100 में 60-70-75 तो कर ही सकते हो। ठीक है, बाकी आपका जीके और कह सकते हैं कि आपका रीजनिंग आपके तो हाथ में होता है। अब एक नज़र आपको यहाँ पे ले चलते हैं लास्ट ईयर का, अब देखना स्टेनोग्राफर सी की बात करें, लास्ट ईयर 2017-18 कट ऑफ कितना गया था भाई, देख लो जनरल कैटेगरी का 141 गया था, 241 जो कि रिकॉर्ड तोड़ने वाला कट ऑफ था लास्ट ईयर का, रिकॉर्ड तोड़ने अब तक कितना कट ऑफ हाई कभी भी नहीं गया है। ठीक है, इतना कट ऑफ हाई नहीं गया है, अगर 2-3 साल बैक में और जाइए तो, ठीक है 2-3 साल बैक में जाइएगा तो आपका जो कट ऑफ था लगभग 120 के आसपास में था, 110 के आसपास में था, लेकिन 141 जनरल कैटेगरी का नहीं गया था। अगर यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की आप देख लीजिए सी ग्रेड में 138 था, ठीक है 138 था, और एससी का देख लीजिए 127 और एसटी का 101। ठीक, डी की बात करें तो डी में देख लीजिए यहाँ पे 134 गया था कट ऑफ, ओबीसी की 124, एससी का 123 और एसटी का 106। ऐसे में 2019 में जो कट ऑफ जाएगा, मैंने अभी बताया कि सी ग्रेड का जो जाएगा कट ऑफ आपका 120 के आसपास में रहेगा, और अगर डी की बात करें तो 110 के आसपास में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर आप सबने कर दिया है तो खुद भी एनालाइज़ किए होंगे आप लोग। ठीक, आप लोग खुद भी एनालाइज़ किए होंगे कि जीके में आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, थोड़े परेशान हुए होंगे खासकर करंट अफेयर्स को लेकर, रीजनिंग बहुत ईजी था आराम से कर सकते थे, लेकिन इंग्लिश कहने के आपको रुलाया होगा। इफ़ अगर आप लोग मेरे से सेटिस्फाइड होंगे तो बिल्कुल कमेंट करके आप ये चीज़ को बताइए कि इस बारे में कि इंग्लिश अगर आपने पेपर दिया तो इंग्लिश कैसा रहा,
आपका पेपर कैसा रहा आप हमें बताइएगा कमेंट करके गाइस, ठीक। और चूंकि यहाँ पे कंटिन्यू मैंने 15 या 17 डेज से लगातार मैंने आप लोग के लिए स्टेनो की तैयारी करवा रहा था, इंग्लिश का लेकर, इंग्लिश का, फिर उसके बाद आपका करेंट अफेयर्स का, उसके बाद जीके का, उसके बाद फाइनली मैंने रीजनिंग पर भी वीडियो मैंने बनाया था, काफ़ी नहीं बनाया था, रीजनिंग पे एक आध वीडियो बनाया था, लेकिन ज़्यादातर तो मेरा फोकस रहा था इंग्लिश पर। वजह क्या था, इंग्लिश 100 मार्क्स का था, इसलिए मैंने इंग्लिश पर वीडियो बनाया था। अगर मेरी भी वीडियो आपने कंटिन्यू देखा होगा तो आई होप कि आपने ज़रूर कम से कम 50 से 60 तो कर के ही आए होंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराया गया था सारे रूल बेस्ड था, सारे कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल करने वाला था। तो गाइज आप अपना कमेंट जरूर करके हमें अपना सजेशन बताना, आपने कितने अटेम्प्ट किए, आपके अनुसार क्या कट ऑफ जा सकता है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जैसा भी पेपर गया हो यार निराश मत होना, अच्छा गया तब भी खुश रहना, ख़राब गया तब भी खुश रहना, ये सोच के कि फिर से मौका आएगा। और जिनका चला गया अच्छा वो इसलिए खुश होंगे कि आगे भी और तैयारी करनी है और मंजिल के करीब पहुँच सकते हैं। बस गाइज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।